प्रदेश में गत वर्ष स्वाइन फ्लू से बांडलगढ़ विधायक की मौत के बाद अब जयपुर शहर के विद्याधर नगर भाजपा विधायक नरपत सिंह रजवी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। बुधवार देर रात उनकी स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के अधिकारियों ने विधायक रजवी को अपनी निगरानी में ले लिया। वहीं विधायक को स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में अब तक स्वाइन फ्लू से 27 मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। वहीं राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू से 81 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल मांडलगढ़ विधायक कीर्ति कुमारी की भी स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। उस समय भी SMS अस्पताल में संसाधनों की कमी को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। राजस्थान में चिकित्सा विभाग तर्क दे रहा है कि तापमान में उतार चढ़ाव के चलते स्वाइन फ्लू का वायरस फिर से एक्टिव हो गया है। ऐसी स्थिति में लगातार पॉजिटिव मरीज भी सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है। पिछले दिनों स्वाइन फ्लू की जांच के लिए 8,000 सैंपल लिए गए, जिनमें से 10% लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग लगातार यही दावा करता रहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।